ननु एकैव आत्मा, पूर्व पक्षी कहता है आत्मा तो एक ही है। फिर आत्मवेद मानकर आप कैसे समाधान दे रहे हो? आत्मा आपके अनुसार तो एक ही है, सर्वत्र एक स्वरूपेण सर्वसुखादिमत्वम, जो आपने माना है शुरू से ही एकमेव अद्वितीय आत्मा अद्वैत सिद्ध किया। और अब कहते घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा बहुवचन प्रयोग करना तद्वत् जीवाः, इस तरह से जीवाः बहुवचन प्रयोग करके आपने दिखा दिया है कि अनेक जीव है अनेक आत्मा है, तब परस्पर विरोध लग रहा है। जब आत्मा सर्वत्र एक है फिर यह आपने कैसे कह दिया अनेक मान कर उसे आत्मभेद मान कर कैसे समाधान कर रहे हैं आप? बाढ़ सिद्धांत यह बात ठीक न श्रुतं त्वया आकाश सर्वसंघादेश एक एव आत्मा इति, एक तरह से बीच में सिद्धांत एक देशी कह रहा है मानो, क्या आपने सुना नहीं है? हमने पहले समझाते क्या कहा, आकाश के समान सकल संघातों में एक ही आत्मा है। तो पूर्व पक्ष यदि एक एव आत्मा तरही सर्वत्र सुखी दुखी च स्यात्, यदि आत्मा एक ही है तो सभी संघातों में स्थित उस एक आत्मा को ही सुखी दुखी होना चाहिए, एक साथ सभी सुखी एक साथ सभी दुखी ऐसा होना चाहिए। न तो सिद्धांत हृदय से नहीं, भाई आप पूर्व पक्ष जो कर रहे हो आप कौन है पहले हमें बताओ, यहाँ जो शंका कर रहे हो आप कौन है? सांख्य दर्शन वाले हो, न्याय दर्शन वाले हो, कि बौद्ध हो, कि जैन हो, कि चार्वाक हो, कौन हो आप? क्योंकि यदि सांख्य दर्शन वाले हैं आप फिर तो आप ऐसा शंका ही नहीं कर सकते। अच्छा इदम सांख्य चौद्यम संभवती, यह आशंका सांख्य दर्शनावलंबी व्यक्ति के द्वारा चौद्यम न संभवती, यह शंका हो नहीं सकता, कर नहीं सकता आशंका। क्यों? क्योंकि नहीं सांख्य आत्मन सुख दुख आदि मत्तम इच्छति, सांख्य दर्शन वाले कभी भी आत्मा में सुख दुख आदि को मानते नहीं है। आत्मा तो उनके यहां भी नित्य शुद्ध बुद्ध है, भले अनेक हैं किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध। आत्मा में न सुख है न दुख है न मोह है, सुख दुख मोह है सारी चीज किसका धर्म है? सांख्य दर्शन में बुद्धि का। इसे कहते हैं सांख्य में आत्मा के अंदर सुख दुख का आदिमत्तम नहीं इच्छति, बुद्धि समवाय अभिगमात, क्योंकि वो लोग बुद्धि में ही वह विद्यमान है ऐसे मानते हैं, बुद्धि में माने गए सुख दुख आदि नाम, बुद्धि समवाय अभिगमात, सुख दुख आदियों को बुद्धि में ही संबंध किसने की संबंध से रहता है ऐसे मानते हैं। नच उपलब्धि स्वरूप से आत्मनो भेद कल्पना एवं प्रमाणम अस्ति। और दूसरी बात इसके अतिरिक्त यह भी है, ज्ञान स्वरूप वाला आत्मा में भेद कल्पना में कोई प्रमाण भी नहीं है। उपलब्धि स्वरूप मैंने ज्ञान स्वरूप से आत्मना ज्ञान स्वरूप आत्मा का भेद कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है। तब पूर्व पक्ष कहते यदि भेदाभाव है प्रधान से पारार्थन पत्तिर चेतना, आत्मा में भेद नहीं है फिर तो प्रधान को जो हम लोग मानते सांख्य वाले परार्थ्यता वही खंडन हो जाएगा, क्योंकि प्रधान करता क्या है? किसी जीव को सुख दे रहा है, किसी जीव को दुख दे रहा है, किसी जीव को मोह दे रहा है, किसी जीव को मुक्त कर रहा है, पर प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए पारार्थ्यम, परस्य अर्थविद परार्थ तस्वभाव पारार्थ्यम, पर कौन है? पुरुष, अनेक पुरुष है, उन अनेक पुरुषों का जो अलग 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 प्रयोजन है उन प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए ही प्रधान प्रवृत्त होता है, यह आपने सांख्यों में सुना है। क्योंकि सांख्य सिद्धांत यही कहते हैं प्रधान के पारार्थता तभी बन सकती है जब अनेक आत्मा, एक आत्मा देने के प्रति प्रधान भोग देवे ऐसा नहीं मान सकता, क्योंकि फिर एक ही प्रकार का भोग रहेगा, अनेक प्रकार कहां से हो जाएगा? इसीलिए प्रधान के अंदर पुरुष के भोग देने रूपी एक विशेष धर्म आपने जो माना है वह धर्म तब सिद्ध होगा
जब अनेक आत्मा दूसरे को भोग देने का मतलब क्या? सुख दुख मोह मोक्ष। ये जो भोग दे रहा है कौन देगा? प्रधान। किसको कुछ किस कुछ देने का मतलब? अनेक आत्मा माननी पड़ेगी। तो मैंने अनेक आत्मा माने बिना प्रधान के अंदर परार्थित्व सिद्ध नहीं हो सकता। इसे सांख्य लोग अवश्य ही प्रधान में पारार्थता की स्वीकृति उपपत्ति के लिए वो आत्मा में भेद को जरूर मानते हैं। इसलिए भेद के अभाव के पक्ष में प्रधान में पारार्थ की अनुपत्ति हो जाएगी। इति चेत न तो सिद्धांत के तय समत कहो प्रधान कृतस्य अर्थस्य आत्मनि असमवायात। क्या मुझे पूछते हैं प्रधान देता है सुख दुख मोह मोक्ष, आपने कहा पुरुष को देता है, लेकिन पुरुष को जो देगा सुख दुख मोह मोक्ष, वह सुख दुख मोह मोक्ष जो प्रधान के द्वारा दिया हुआ है वह कहाँ रहता है? आत्मा में कि बुद्धि में? प्रधान ने सुख दिया, पुरुष को भोग कराया, सुख भोग कराया, जो सुख भोग कराया वह सुख कहाँ है? आत्मा में रहेगा कि बुद्धि में? यह भी आपने कहा सुख दुख का दिन सब बुद्धि में रहता है। इसलिए भले ही प्रधान पुरुष को सुख देता है लेकिन सुख सुखित्व का अनुभव करने के बावजूद भी वह सुख कहाँ रहेगा? बुद्धि में। सर दुख कहाँ रहेगा? बुद्धि में। मोह कहाँ रहेगा? बुद्धि में। तो बंधन और मोक्ष भी बुद्धि में ही रहा। फिर आत्मा को क्या दिया उसने? एक भ्रम है कि वह प्रधान आत्मा को सुख दुख मोह मोक्ष वगैरह का भोग प्रदान करता है, यह केवल भ्रांति माननी पड़ेगी। क्योंकि आपके ही सांख्यों के मत में भले प्रधान जो है आपका कथन है सुख दुख मोह मोक्ष पुरुष को देता है करके, किंतु वास्तव में कश्चित भोगम अपवर्गन च कश्चित अदाद अदत्त पुरुष विशेष मिशते तच्च पुरुष वेदा अनुपदेति इति कहना ठीक है। अर्थापत्ति पुरुष वेदेति इति शंकते इति अर्थापत्ति प्रमाण से आप पुरुष वेद की आशंका जो कर रहे थे वो ठीक नहीं, अर्थापत्ति में अनुदेयता दोष आ जाता है। क्योंकि प्रधान कृतस्य अर्थस्य आत्मनि असमवायात, प्रधान के दर कृत जो प्रयोजन है सुख दुख मोह बंध मोक्ष वो आत्मा में नहीं होता। कि यदि प्रधान कृत बंधो मोक्ष वार्थ पुरुषेषु भेदेन संवैति तथा प्रधान से पारार्थ्यम आत्मिकत्व नोपदिति युक्ता पुरुष वेद कल्पना। क्योंकि यदि प्रधान कृत बंध मोक्ष आदि प्रयोजन ये पुरुषों में भेद पूर्वक होता पुरुषेषु भेदेन समवैति, अर्थात किसी पुरुष में सुख हो, किसी पुरुष में दुख हो, किसी पुरुष में मोह हो, किसी पुरुष में जो मोक्ष हो, किसी पुरुष में बंधन हो, इस प्रकार से पुरुषों में भेदेन समवैति चेत, तथा फिर तो आपका बात हम मान लेते कि प्रधान से पारार्थ्यम आत्मकत्व अनुपद्यते, प्रधान की पारार्थता आत्म एकत्व अनुपन्न नहीं होगा, यह आपका कथन जो है हम मान लेते। और इस तरह से प्रधान की पारार्थता की सिद्धि के लिए पुरुष वेद कल्पना करना भी उचित होता। यदि ऐसा होता तो यदि आत्मा में सुख दुख भोग आदि होता तो आपकी कल्पना भी हम स्वीकार करते, लेकिन वाक्य में आपके मत ही अनुसार आत्मा में सुख होता ही नहीं है। न च सांकेर बंधो मोक्ष वार्थ पुरुष संवेद अभिगम्यते, क्योंकि आप सांख्यों के द्वारा ही जो है न बंध या मोक्ष आदि प्रयोजनों को पुरुष में संवेद है, पुरुष संबद्ध है ऐसा नहीं स्वीकार किया जाता। निर्विशेषास्तु चेतन मात्रा आत्मानो अभिगम्यन्ते, किंतु आप आत्मा को निर्विशेष चैतन्य मात्र स्वरूप मानते हो। आप निर्विशेष हो, कुछ भी विशेषवान सुख दुख मोह सगुणता आदि कुछ भी नहीं, बिल्कुल वेदांत का ब्रह्म में और सांख्य का पुरुष में कोई अंतर नहीं, इतना ही झगड़ा है वहां। हम एक आत्मा मानते हैं वो अनेक मानते हैं, इतना ही विरोध है। और दूसरा विरोध पुरुष को लेकर दिया तो हम आत्मा में भोक्तृत्व भी नहीं मानते हैं, लेकिन वो लोग भोक्तृत्व मान लेते हैं, ये अंतर है। निर्विशेषास्तु चेतन उसका भी खंडन करेंगे, भोक्तृत्व भी वास्तव में नहीं हो सकता आत्मा में, आत्मा में भोक्तृत्व भी नहीं हो सकता आगे बताएंगे। अतः पुरुष सत्ता मात्र प्रयुक्त में प्रधान से पारार्थ्यम सिद्धम न तो पुरुष भेद प्रयुक्त मिति,
इसलिए यह मानना पड़ेगा प्रधान के अंदर जो पारार्थता है वह पुरुष की सत्ता मात्र से प्रेरित हुआ, पुरुष की सत्ता मात्र से वहां प्रेरित हो रहा है, प्रधान में प्रेरणा मिली और वो सुख दुख भोग भोग का भोग कराने लग गया सत्ता मात्र से। इसलिए पुरुष भेद के बिना भी एक पुरुष की सत्ता में भी अनेक लोग काम कर देते हैं। जैसे एक मैनेजर होता है ना कंपनी में कि जितने कर्मचारी उतने मैनेजर होते हैं, हर कर्मचारी पर एक एक आदमी खड़ा रहेगा कि मैनेजर का काम कर रहे हैं। एक आदमी है मैनेजर, उसकी जूते की आवाज से सब घबरा जाएंगे, हाँ आ गया खतरा ऐसा सोचेंगे, है या नहीं? वो आ रहा है पता चलते सब धड़ 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 सब काम में लग जाएंगे फटाफट, ये भय आ जाता है ना। तो इस तरह एक पुरुष की सत्ता से प्रेरित होकर, सत्ता मात्र से प्रयुक्त होकर जिस प्रकार से हम लोक व्यवहार में देख रहे अनेकों कर्मचारी विभिन्न स्तर वाले सभी काम करने लग जाते, उसी प्रकार से एक पुरुष की ही सत्ता से, सत्ता मात्र से प्रयुक्त होकर के प्रधान पारार्थ्य माने पुरुष को मोक्ष दे, मोक्ष या बंधन आदि देने में प्रवृत्त होता है ऐसे मानने में कोई दोष नहीं है। इसे प्राधान में पारार्थता की सिद्धि के लिए पुरुष भेद की कल्पना करना बिल्कुल उचित नहीं है, न तो पुरुष भेद प्रयुक्त भी थी। जैसे एक ही चुंबक, क्योंकि उनका दृष्टान क्या है इसके लिए, पुरुष की प्रेरणा से प्रधान कार्य करता है, यानी इसे चुंबक का दृष्टान देते हैं। वहां क्या जितनी लोहे का टुकड़ा उतना चुंबक थोड़ी जरूरत है कि एक जबरदस्त चुंबक हो जितनी भी लोह कण है सभी में चाल पहल कर देगा वो। उसे एक ही पुरुष तुम्हारा प्रधान में विद्यमान शत्रु स्तंभ तीनों को नचा देगा, उसके लिए अनेक पुरुषों को मानने की कोई जरूरत क्या? अतएव एक पुरुष मानने पर भी आपके सत्वादि गुणत्रयोपेत प्रधान में पारार्थित्व की सिद्धि हो सकती है, पुरुष भेद इसके लिए कल्पना करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात किंच प्रधान की पारता परम शेषणम अपेक्षत है न तस्मिन भेद अपेक्षित, क्योंकि प्रधान में पारार्थित्व तब मानी जाएगी जब एक पर पुरुष की अपेक्षा है ना। परार्थम का मतलब क्या? दूसरे के लिए, दूसरे के लिए का मतलब क्या? दूसरे की जरूरत है, दूसरे एक को या हजार उसे क्या लेंगे। प्रधान के अंदर पारार्थित्व के लिए परम शेषणम अपेक्षित, कोई ना कोई एक शेषी चाहिए जिसका शेष बन जावे, तस्मिन भेदम अपिन्न कांक्षते, इन वह एक शेषी में अनेकता होना कोई जरूरी नहीं है। इसे अन्यतापत्ति को भी लेकर कहा गया कि अर्थापत्ति प्रमाण का खंडन कैसे करते हैं आप, तीन प्रकार से ना, अन्यथैव उपपत्ति, अन्यथापि उपपत्ति और बाध या अनुदय जिसको कहते हैं। अब पहले जो दिया अनुदय, अनुदय के माध्यम से आपने खंडन कर दिया था अर्थापत्ति का, सांख्यों की जो अर्थापत्ति है उसे खंडन अनुदय देकर, अर्थापत्ति का उदय ही नहीं हो सकता, बाधित हो रहा है, क्योंकि एक चुंबक से जैसे अनेक लोहा काम कर जाता है उसी प्रकार से एक पुरुष से ही प्रधान के अंदर परार्थता रूपी सत्र स्तंभ तीनों के तीनों व्यवहार करने लग जाएंगे, अतएव जो है पुरुष भेद के अधीन होकर के आपको प्रधान में परार्थित्व मानने की जरूरत नहीं, अनुदय। और अब अन्यथा भी उपपत्ति, अन्य प्रकार से भी उपन्न हो सकता है ये दिखाना चाह रहे हैं, क्या है वो, उसके लिए शुरू कराता पुरुष भेद कल्पनायाम न प्रधान से पारार्थ्यम हेतु हो, प्रधान के अंदर पारार्थित्व का जो का हेतु बना करके पुरुष भेद की कल्पना में आप हेतु बनाना चाहेंगे यह नहीं हो सकता। क्यों? न चान्य पुरुष भेद कल्पनायाम प्रमाणम अस्ति सांख्यानाम, के सांख्यों के प्रति सिद्धांत में पुरुष भेद कल्पना में और कोई प्रमाण भी नहीं है, एक ही प्रमाण उनके पास क्या, प्रधान की पारार्थ्य, प्रधान में पारार्थ्यता परार्थता पर प्रयोजनता की सिद्धि के लिए उसका प्रवृत्ति, ये जो आप मानते हैं यही एकमात्र मुख्य हेतु है जिसके आधार पर क्या कर रहे हैं पुरुष में भेद कर रहे हैं, हेतु ही नहीं हो सकती है। पुरुष भेद कल्पना में प्रधान के पारार्थित्व को
आप हेतु नहीं कह सकते, न हेतु हो। क्यों? परसत्ता मात्र में चैतन्य निमित्तीकृत्य स्वयं बद्धते बुच्छते च प्रधानम्। क्योंकि वास्तविकता तो यह है, पुरुष भेद कल्पना में आपके पास अन्य कोई प्रमाण तो है नहीं, यही कर्तापति प्रमाण का प्रयोग कर रहे हो। लेकिन वहां भी हम कहना चाह रहे हैं परसत्ता मात्र से ही एतत् निमित्तीकृत्य स्वयं बद्धते मुच्यते च प्रधानम्। उसको निमित्त बना करके प्रधान स्वयं बंधन को प्राप्त होता है, स्वयं मुक्त होता है। वास्तव में पुरुष न बंधन में है न मुक्त होता है, वो तो बुद्ध मुक्त स्वभाव है। वहां न बद्धता है न मुक्तता है, न बंधो न मोक्ष इतेशा परमार्थ। जैसे वेदांत में कहा बिल्कुल सांख्य भी वही मानता है, ये बंध मोक्ष आदि सारी चीज कहां है? प्रधान के अंदर ही है। पुरुष को निमित्त करके जब भोग दे रहा है तब तो अपने आप को बंधन मान लेता है, और जब भोग से विरक्त हो गया अपने आप को मुक्त मान लेता है। अविवेक ख्याति है तो बद्ध मानेगा, विवेक ख्याति जगने पर मुक्त मानेगा। ये प्रधान के अंदर ही दोनों ही है। स्वयं बद्धते स्वयं उच्चते च प्रधानम्, स्वयं ही प्रधान बंधन को प्राप्त हो रहा है और मुक्त होता है। ये जन्म मरणादि व्यवस्था अनुपत्ति के अरूप पुरुष वेद कल्पना भी युक्त नहीं है। वेदिकरणत्वा गदो भी नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष वेद कल्पना में अन्य कोई प्रमाण मैंने जन्म भेद मरण भेद आदि व्यवस्था को लेकर के भी आप यदि कहना चाहें तो नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष के अंदर जन्म मरण आदि है नहीं। क्योंकि पुरुष क्या मानते सांख्य लोग? नित्य। जब नित्य मानते उसमें जन्म मरण तो है नहीं। अरे जन्मा मरा कौन? प्रधान के अंदर ही सारा मामला आया। अतएव पुरुष भेद कल्पना करने के लिए जन्म मरण आदि को भी हेतु बना नहीं सकते। इस प्रकार से पुरुष भेद कल्पना में अन्य कोई प्रमाण ही नहीं रह जाता आपके पास, और पुरुष भेद की कल्पना के प्रयोजन भी नहीं रहा। प्रमाण भी नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है। क्यों बनना? अनेक पुरुष मानने का क्या प्रयोजन है? कि बंध और मोक्ष की व्यवस्था के लिए मानना चाहते हो ना अनेक पुरुष, लेकिन बंध मोक्ष भी जब पुरुष में नहीं है फिर पुरुष में आने का तो कल्पना की क्या जरूरत रहा? कि बंध मोक्ष कहाँ है? प्रधान में। इसे प्रधान में ही स्वकल्पित अनेकत्व मानना पड़ेगा आपको। प्रधान ने क्या किया? स्वयं अनेक उपाधि बना लिया, अनेक उपाधि अनेक बुद्धि बना ली, महत्त्व बना लिया, और अनेक महत्त्व में क्या हुआ? उस एक पुरुष का प्रतिबिंब सभी में पड़ गया, है नहीं? तो इसे एक पुरुष वेदांत तो बन जाएगा। यहां पर वेदांत की व्यवस्था बराबर है, आपकी व्यवस्था गड़बड़ा रहा है। वेदांत तो यही कहता है ना, प्रकृति ने माया ने क्या कर लिया? अनेक बुद्धि उपाधि बना ली, उन सकल बुद्धि उपाधियों में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ गया, तो अनेक जीव हो गया, तो आपत्ति नहीं है। इस तरह से अनेक जीव की व्यवस्था जब हो सकती है, कल्पित जीव अनेक, तो वास्तविक अनेक आत्मा माने की क्या जरूरत? जब कल्पित अनेक आत्मा के माध्यम से सकल भेद व्यवस्था जन्म मरण सुख दुख आदि सब बंध मोक्ष सारी व्यवस्था जब हो सकती है, फिर वास्तविक यथार्थ पारमार्थिक अनेक पुरुष अनेक आत्मा माने की क्या जरूरत? ये इनका कहना है। जो स्वयं बद्धित मुदचित प्रधानम परश्च उपलब्ध मात्र सत्ता स्वरूपेण प्रधान प्रवृत्तौ हेतु न कंचित विशेषण इति। पुरुषत्व मात्र निमित्त करके प्रधान प्रवृत्त होता है ऐसा अपने कहा तो योग दर्शन वाले खड़ा हो रहे हैं। योग दर्शन वाले कहते हैं पुरुष के एकमात्र पुरुष को निमित्त बनाकर, पुरुष की सत्ता मात्र को निमित्त बनाकर के प्रधान प्रवृत्त नहीं होगा, किंतु ईश्वर मानना पड़ेगा। सांख्य से योग, योग क्या मानता है? ईश्वर है, वो सब प्रवृत्त कराता है। तो ईश्वर अधिष्ठित होकर के ही शेषराज सांख्य शंकर का शंका करते हुए कहता है तो वह भी लेकिन पुरुषत्व विशेषाद उपलब्धि मात्रत्व प्रत्याह। तब कहते वो ईश्वर भी क्या है बताओ? योग दर्शन वाले से पूछो तुम्हारे ईश्वर का क्या स्वरूप है? वह भी पुरुष विशेष ही तो है। क्लेश कर्म विपाक आशयैर अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर, योग सूत्र कहता है। क्लेश कर्म विपाक
आशय अपरामृष्ट, पंच क्लेश नहीं है वहां पर, कर्म नहीं है शुक्ल कृष्ण या अशुक्ल कृष्ण ना, वो भी नहीं है वहां, विपाक कर्मफल भोग भी नहीं है और आशय वासना भी नहीं है। इन सब से असंबद्ध पुरुष विशेष ही तो ईश्वर है, तो फिर पुरुष अलग कहां रहा ईश्वर कोई? आप अनेक पुरुष मान करके उनमें से एक पुरुष आपने क्या कर दिया, ईश्वर कर दिया। उसी प्रकार है ये मामला, जैसे स्कूल में एक क्लास में सब बच्चे हैं, सब क्या हैं, विद्यार्थी छात्र, यही तो है ना। उन्हीं छात्रों में एक छात्र विशेष है, उसको क्या कहते हैं, ये मॉनिटर है क्लासरूम का, पूरे क्लास का मॉनिटर हो गया, देखरेख करेगा, जब टीचर ना होंगे वो खड़ा हो जाएगा, देखेगा कौन हल्ला कर रहा है, नाम लिखेगा ये हल्ला कर रहा था, यही तो काम है ना उसका मुख्य रूपेण। तो वो कौन है, वो अछात्र है क्या, छात्र विशेष ही है तो छात्र है, वो छात्र भिन्न तो है ना कुछ। उसी प्रकार से जब पुरुष विशेष आप कहते हो, इसका मतलब क्या, ईश्वरी पुरुष ही है, पुरुष अलग तो कुछ नहीं, पुरुषत्व अविशेषात, एक ही पुरुष में ईश्वर की भी कल्पना करने कोई आपत्ति, जिसे अनेक बुद्धियों की कल्पना किया, किसने, प्रकृति ने, सभी में प्रतिम पड़ा, सब जीव हो गए, उन सकल जीवों में एक जीव को चुनो और कहो ये ईश्वर है, ये सकल छात्रों में एक छात्र को मॉनिटर चुन लेते हैं, तो सकल जीवों में से एक जीव, जो एक जीव कैसा है वो जीव, लेकिन उत्कृष्ट होना चाहिए ना, आज फालतू फालतू बच्चे को थोड़ा बना देंगे मॉनिटर, उसको बनाया जाता है जब बुद्धि से तेज हो, दमदार हो, हिम्मत भी हो, डांट फटकर सबको नियंत्रण भी कर सके, हर तरह से योग्य को ढूंढा जाएगा ना। इसी प्रकार से पहले अनेक उपाधियां बन गए, अनेक बुद्धियां बन गए, उन अनेक बुद्धियों में अनेक जीव बन गया, अनेक जीव बने उनमें से सर्वोत्कृष्ट जो जीव होगा, जो सकल वेदों का ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, सर्ववित्त है, सर्वशक्तिमान, ऐसे हम क्या नाम रख देंगे, ईश्वर नाम रख देंगे। इसे कल्पित अनेक जीवों में से एक सर्वोत्कृष्ट जीव को जब ईश्वर का व्यवस्था दे सकते हैं, तो अलग एक पुरुष विशेष ईश्वर है और अन्य एक जीव है, अनेक जीव है, ये सब मानने की क्या जरूरत है। कल्पित अनेक जीवों के माध्यम से ही ईश्वर की भी व्यवस्था हो सकती है, इसे एक पारमार्थिक सत्य भेद वाला अनेक जीव मानना और उनमें अनेक पुरुष मान, अनेक आत्मा उनमें से अलग विलक्षण एक ईश्वर नाम की आत्मा पृथक मानने की कोई जरूरत नहीं है। परश्चोपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूपेण प्रधान प्रवृत्त हेतुर न केनचित विशेषेण, इसे किसी विशेषता को लेकर के वहां प्रधान प्रवृत्ति में कारण हो जाएगा, विशेषण मैंने ईश्वर रूपेण, पुरुष विशेष क्या है वहां, केनचित विशेषण न हेतु, ऐसा अनुभव कर देंगे। उन्होंने माना था एक विशेष ईश्वर नाम का अलग मानो, केनचित ईश्वर आख्यन ईश्वर संजकेन पुरुष विशेषेण प्रधान प्रवृत्त हेतु कदम नहीं, ऐसा भी मानने की जरूरत नहीं है। परश्च उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूपेण, क्योंकि उपलब्धि मान ज्ञान मात्र सत्ता स्वरूप से प्रधान प्रवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान स्वरूप है ना आपका, आत्मा का स्वरूप क्या है, सांख्य में भी ज्ञान रूप ही है, तो ज्ञान स्वरूप भूता जो आत्मा का सत्ता मात्र से ही प्रधान प्रवृत्त हो जाएगा, और वह ज्ञान स्वरूप आत्मा अनेक होना कोई जरूरी नहीं है, एक से काम चल जाएगा। जैसे एक बड़ा चुंबक के सत्ता में ही अनेकों लोहे अपना चाल पहल कर रहे हैं, उनमें से भी एक प्रधान लोहा का बड़ा विशेष लोहा जो अन्य लोहों पर असर कर रहा है, ऐसे तुम्हारे ईश्वर है, तो क्या दिक्कत है इसे मानने में। केवल मूढ़ तो यही वो पुरुष वेद कल्पना वेदार्थ प्रत्याग, इसलिए ये केवल आप सांख्य दर्शन योग दर्शन वालों की मूढ़ बुद्धि है, मूढ़ता मात्र ही है ये, केवल मूढ़ता यही वह, केवल मूढ़ता के वजह से आप पुरुष भेद की कल्पना कर रहे हो, आत्मा भेद की कल्पना कर रहे हो, और वेद में कथित एक में द्वितीय आत्म तत्व का पदार्थ का परित्याग कर रहे हो, केवल आपकी मूढ़ता है, बिना सोचे समझे। जब कल्पितत्व व्यवस्था हो सकती है तो पारमार्थिकत्व ने भेद मानने की क्या जरूरत है, कल्पितत्व ही भेद व्यवस्था की सारा व्यवहार बन सकता है,
जैसे कोई असामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो पारमार्थिक भेद की कल्पना क्यों कर रहे हो? वेद का वेदार्थ का प्रत्याग करना ये मूढ़ता के अलावा कुछ नहीं है। ये त्वाहुर वैशेषिकादि इच्छादि आत्मसमवाय नहीं थी तदपि असत। और जो लोग कहते हैं वैशेषिकादि इच्छा देहा, वैशेषिकादि लोग, अब आया वैशेषिक लोगों को ले रहे वेदार्थ, वेद प्रतिपाद्यम अद्वैतम द्वितीयम उत्थापयति ये तो इत्यादि से आहु कौन वैशेषिकाद्या, वो क्या मानते वो इच्छाद्य आत्मसमवाय नहीं थी। इच्छादि गुण कहाँ है? आत्मा में समवाय समस्या रहता है। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार 9 विशेष गुण है उनमें, और 5 सामान्य गुण तो है संयोग विभाग पृथक संख्या संख्या परिमाण, ये 5 सामान्य ही है। संख्या क्या है? अनेक आत्मा मानते हो, तीसरे के परार्थ पर्यंत हो गया। मुख्य रूप 2 कद जीवात्मा च परमात्मा ची आता दिविद है ना, 2 जैसे हमारे द्वे च ब्रह्म परे च परंच अपरंच, इन्हें हमारे तो कल्पित है, वह तो वास्तविक मान रहे। और उसमें सामान्य 5 वह संख्या परिमाण महत परिमाण है ना, पृथक्त्व है, एक आत्म दूसरा से अलग अलग कर रहा है। संयोग आत्मन संयोग भी होता है, आत्मन विभाग भी होता है, संयोग विभाग भी गुण उसमें आ गया, 5 सामान्य गुण हो गया। फिर बुद्धि मन ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार, इन 9 और 5 14 गुण मानते किसमें? आत्मा। और प्रत्येक शरीर में आत्मा का व्यवस्था से अलग अलग मानते, भेद मान लेते हैं। और गुणों में भी तारतम्य, प्रत्येक गुण अलग अलग आत्माओं में व्यवस्था से संवेता स्वीक्रियंते, व्यस्तया संवेता देवदत्तात् संवेद बुद्धि सुखादि भी सएव बुद्धि सुखादिमान इति नियमो व्यवस्था। 2 नंबर टिप्पणकार समझा रहे क्या व्यवस्था समझ रहे हैं यहाँ भाई, ये इतने ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर जो सुख हो वह दूसरा अनुभव कर ले दूसरी आत्मा, ऐसा नहीं। जिस उपाधि वाला विशिष्ट आत्मा में सुख दुख आदि है उसी उपाधि वाला सुख दुख आदि का अनुभव करेगा, दूसरा नहीं। नहीं तो क्या हो जाएगा? आप यहाँ जो विद्यार्थी नहीं है वो भी पढ़ लेंगे, आप पढ़ लिए ना, आप सुन लिए तो वो भी सुन लिया, एक आत्मा मुक्त सब मुक्त हो जाएंगे, फिर ये सब समस्या आ जाएगी। इसे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस बुद्धि और मन आदि को लेकर के आत्मा में संबंध होकर सुख दुख उत्पन्न हुआ वही उसका अनुभव करेगा, दूसरा नहीं। आनगिरी में करे तेषां व्यवस्था अनुपत्या प्रतिदेहम आत्मभि सिद्धि, और उनकी व्यवस्था के अन्यथा अनुपत्ति के आधार पर भी क्या कर रहे हैं? प्रतिदेह में आत्मा भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा, प्रति शरीरम भिन्नम ही तो कहा उन्होंने, जीवात्मा जीवास्तो अनंता एव प्रति शरीरम भिन्नम कह दिया। किम बुद्धियादि और रूपादिवत आत्मव्याप्ति न किम वा संयुगादिवत एक देश वृत्तयः। तब हम उनसे पूर्व पक्षियों वैशेषिकों से पूछते हैं, भाई ठीक है आपने कह दिया बुद्धि आदि गुण आत्मा में रहता है, हम पूछते हैं जो बुद्धि आदि गुण आत्मा में रह रहा है संवाद समझ से वो किस प्रकार रहता है? जैसा रूप घड़े में पूरा व्याप्त होकर रहता है वैसे रहता है मानोगे? क्यों रूप भी क्या है घड़े में समय समय से रहता है, लेकिन कहाँ रहता है वो? पूरा द्रव्य में व्याप्त होकर रहता है। जिस द्रव्य में आप रूप देख रहे हो वह रूप उस द्रव्य में पूरे व्याप्त होकर के व्याप्य वृत्ति गुण कहा ना, इसलिए वो सब क्या है? व्याप्य वृत्ति गुण है। संयोग विभाग सब क्या है? अव्याप्य वृत्ति गुण होते हैं। जैसे 2 अंगुलियों के बीच में संयोग है, ये क्या है? अव्याप्य, क्योंकि 2 अंगुल के बीच एक लाइन से संयोग हो रहा है, इधर संयोग नहीं इधर नहीं ऊपर नहीं नीचे नहीं, यानी पुस्तक को कोई भी चीज कहीं भी संयोग होता है एकमात्र यहां जुड़ गया, और ऊपर नीचे कहां संयोग है? इसलिए संयोग विभाग आदियों को अव्याप्य वृत्ति माना गया और रूप आदियों को व्याप्य वृत्ति। इसे हम पूछ रहे हैं ये बुद्धि आदि भी किसी प्रकार है क्या? बुद्धि आदि जो गुण है, ज्ञान आदि जो गुण है, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि, वे गुण आत्मा में व्याप्य वृत्तियों कर रहे हैं कि अव्याप्य वृत्तियों कर रहे हैं?
आत्मव्यापिन किं वा संयोगाधिपति एक देश वृत्तया नाद्य ज्ञानादि गुणानाम आश्रव्यापिनाम आश्रय संयुक्ते सर्वस्मिन् अपर्यायेण ज्ञातितादि व्यवहार जनकत्वम जनकत्व प्रसंगादित्याह तदप्य सदिति इन समस्या होगी। ज्ञानादि गुण आश्रय को व्याप्त करने लग जाए तो आश्रय संयुक्ते सर्वस्मिन् सभी आत्माओं में संबंध मानते हो, उसमें भी एक आत्मा में समय समय से रहता है, वो एक आत्मा में समय समय से रहेगा या सकल आत्माओं में समय समय से रहेगा ये पूछना पड़ेगा। ये सभी में रहेगा फिर एक का ज्ञान होने से सभी को ज्ञान हो गया मानना पड़ेगा। अपर्यायण आश्रय संयुक्त सर्वस्मिन् अपर्यायण वा सभी में ज्ञान विशिष्ट देशावच्छेद आत्म संयुक्त घटादो ज्ञातता व्यवहार दर्शना पांच मिनट टिप्पण समझाया। अपर्याण तथा सर्वज्ञत्व आपत्ति भाव फिर तो सर्वज्ञ हो जाएगा सभी। इसीलिए भाष्यकार ने कहा यह मानना आपका कि इच्छा आदि जो बुद्ध ज्ञान इच्छा आदि प्रयत्न आदि आत्म समय सुनता है वो ठीक नहीं तदप्य सतो। और दूसरा पक्ष पूछो एक देश में रहता है अव्यापी मृत्यु कर रहेगा कहते हो, इसीलिए सभी आत्माओं में नहीं जाएगा समय समय से, किसी एक आत्मा में समय समय से सुख है, किसी दूसरे आत्मा में समय समय से दुख है, किसी तीसरे आत्मा में इच्छा है, कहीं चौथे आत्मा में द्वेष है, कहीं अलग 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 रहेगा। एक देश वृत्ति होगी ना व्यापक वृत्ति हो सभी आत्मा में चला जाएगा, जैसे एक रंग डाल दे कपड़े सभी धागों में व्याप्त हो जाएगा ना, कपड़े में रंग एक रंग मान लिया आपने एक लाल रंग का कपड़ा है का मतलब क्या हर धागे में वह लाल रंग व्याप्त हो गया व्यापक वृत्ति है। इसे आत्मा में आप सुख है तो मुझे आत्मा में सुख है मतलब क्या प्रत्येक आदि जितनी भी है सभी में सुख व्याप्त हो गया मानेंगे तो फिर सब में ज्ञान व्याप्त हो जाएगा, इसी प्रकार से सब सर्वज्ञ हो जाएंगे। तब से हटकर कहते नहीं नहीं व्याप्ति नहीं मानूंगा, अव्याप्य वृत्ति मानो संयोग जैसा। यदि अव्याप्य वृत्ति में मानोगे उससे पूछे सती असत्यो सत्यो असत्यो वा आंधगिरी में विकल्प दिखाया देखो द्वितीय तु एक देश सत्यो असत्यो वा प्रथमे घटादि आत्म सत्य देशवत्वात् कार्यत्वादि प्रसंग समस्या होगी। इसे घट में रूप है, रूप पहले क्या था श्याम घट था, पका दिया तो लाल घट हो गया है ना रक्त घट हो जाता है, माने कोई घटा रक्त घट वाला है कोई घटा श्याम घट वाला है, एक देशवृत्ति हो गई ना। इस प्रकार ये आत्मा के मानने लग जाओगे फिर तो कार्य हो जाएगा, वो एक घट रूपी कार्य में एक रूप व्याप्त है एक देश में, दूसरे घट रूपी कार्य में दूसरा रूप है, तीसरे घट रूपी कार्य में तीसरा रूप है। इसलिए तुम आत्मा को भी मानने लग जाओ फिर आत्मा क्या हो जाएगा घट के समान कार्य हो जाएगा। प्रथमे घटाधिवत आत्म सत्य के देश आत्मा का सत्य के देश मान लोगे तो कार्यत्वादि प्रसंग कार्यत्वादि दोष प्रसक्ति हो जाएगी। आदि विनाशत्वादयोपि कार्यत्वागे तो विनाशत्व भी आगे सावयत्वादि सब दोष आ जाएंगे। इसलिए असत्य है मानोगे। द्वितीय कल्पितैक देशानाम एव ज्ञानादि गुणवत्तम आत्मनस्तु न तदुत्तम, फिर तो असत्य है जो आत्मा में सुख दुख इच्छा द्वेष है वो असत्य कहोगे तो फिर कल्पित मानना पड़ेगा। सर रज्जु में सर्प असत्य का मतलब क्या, मतलब यही हुआ ना कि रज्जु में सर्प कल्पित है। इसी पर यदि आप यहां कहोगे आत्मा सुख दुख इच्छा द्वेष आदि गुण असत्य है, इसका अर्थ यह निकलेगा कि आत्मा सुख दुख इच्छा द्वेष आदि गुण कल्पित है कहना पड़ेगा। फिर तुम वेदांत में आ गए, कहां रह गए तुम्हारा वैशेषिक दर्शन गया छुट्टी पाए। ज्ञानादि गुणवत्तम आत्मनस्तु न तदुत्तम, इसलिए कल्पित एक देश में ही ज्ञानादि गुणवत्व आ जाएगा, आत्मा में ज्ञान गुणवत्व नहीं रहेगा। इस बात को भाष्कर कर देखो स्मृति हेतु नाम संस्काराणाम अप्रदेशवती आत्मनि असमवायात। स्मृति का कारणीभूत संस्कार धर्म अधर्म इच्छा द्वेष राग वगैरह वगैरह अप्रदेशवती आत्मनि अब प्रदेश निरवय आत्मा में हो नहीं सकता कि एक देश संबंध मानने के लिए सावय में तो होगा ना,
एक देश मैंने व्याप्ति तो नहीं हो सकती, व्याप्ति माने पर सर्व के ताल दोष आ रहा है, व्यापक नहीं है गुण, इसीलिए आत्मा में पूरे आत्मा का व्याप्त होकर गुण नहीं मान लिया आपने, फिर एक देश मानना पड़ेगा तो सावय मानना पड़ेगा। लेकिन आत्मा निर्वय है आपके मत में भी, वेदांति का मैंने वैशेषिक और न्यायिकों के मत में भी, वेदांति के मत के समान आत्मा निर्वय है, अप्रदेश वाला है, देशावच्छिन्न होने का नाम सावय। सावय का मतलब क्या, एक एक देशावच्छिन्न हो जाना, प्रदेश वाला हो जाना, और आत्मा क्या है निर्वय है, मैंने किंचित देशावच्छिन्न नहीं है, प्रदेशावच्छिन्न नहीं है, अप्रदेशवती आत्मनी, निरवय आत्मा में गुणों का समवाय नहीं कह सकोगे। किंचा इतना ही नहीं, आत्मना मन संयोग समवाय कारणात् ज्ञाना नाम उत्पत्ति निष्ठा, कद आत्मन संयोग रूपी असमवाय कारण से ज्ञानादि गुणों का आत्मा रूपी समवाय कारण में उत्पत्ति आपके मत में माना जाता है। आत्मन संयोग क्या है, असमवाय कारण, और वह असमवाय कारण से समवाय कारण रूप आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान आदि गुण उत्पन्न होते हैं, यह आपका मत है। तथा च सती ग्रहण समय स्मृति न संभवत्येव, नियम न उपपद्यते, क्योंकि ज्ञान काल में स्मृति नहीं होती है, ये आपकी जो व्यवस्था है ना वो नहीं बन पाएगा। जब ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आपके नियम क्या है, आत्मा में एक ही विशेष गुण होता है, एक बार आत्मन से हुआ तो ज्ञान हुई, फिर दूसरी बार आत्मन से होगा तो सुख होगा, मानी एक गुण एक संयोग से प्रकट होगा, ये आपका सिद्धांत जो है ना ये बनेगा नहीं। क्यों, जब आत्मन संयोग हुआ, आत्मा का मन का आत्मा के साथ मन का संयोग हो गया, जब संयोग हुआ तब उस आत्मा में संस्कार भी है ना, संस्कार होने के नाते इधर चक्षु ने रूप दिया था, घट का ज्ञान दिया, उसको लेकर के मन आत्मा से जब संयोग हुआ तो मन के आत्मा का संयोग होने पर घट का जैसा प्रत्यक्ष हुआ, उसी समय वहां विद्यमान संस्कारों ने क्या करना चाहिए था, उसको स्मृति भी दिला देना चाहिए था, मतलब ज्ञान और स्मृति एक साथ होना चाहिए हमेशा ही, यह आपत्ति है। क्योंकि नियम यह है न्यायिकों का वैशेषिकों का, असमवाय कारणानं कार्यकाले नियमः, माने असमवाय कारण यदि है तो जरूर कार्य उत्पन्न होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि असमवाय कारण हो और कार्य उत्पन्न न हो, तंतु संयोग हो गया और पट उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा कैसे होगा, कपालत्व संयोग हुआ और घट उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। आतान वितानात्मक जो तंतुत्व संयोग विशेष हुआ तो निश्चित रूप पट पैदा होगा, कपालत्व संयोग रूपा एक विशिष्ट संयोग है जो असमय कारण, वह असमय कारण हुआ तो मतलब घट उत्पन्न हो गया, आप रोक नहीं सकते। हाँ, जब तक अन्य सारे कारण सामग्री है लेकिन असमय कारण अभी नहीं प्रकट हुआ तब तक कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। इसे चक्र भी है, कुड़ाल खड़ा है, डंडा भी है नहीं? मिट्टी भी है, सना भी है, वो पिंड बना करके चक्र पर रख भी दिया है कि नहीं, और घुमा भी दिया डंडे को, डंडे से चक्र को घुमा भी दिया मान लो, और हाथ से बना भी दिया, एक कपाल बना के रख दी बगल में, दूसरे कपाल बना के रख दिया, दोबारा पहला कपाल को घर चक्र पर रख करके दूसरे कपाल को उसके ऊपर रखकर जब तक जोड़ेगा नहीं तब तक घट उत्पन्न हो गया क्या, कपाल बने हुए टुकड़े टुकड़े, उनको क्या करता है, निचला हिस्सा को पहले रखता है, ऊपर बड़ा हिस्सा को पकड़ के उसको रखता है, फिर एक लेप यू देता है और दोनों को जोड़ देता है, वो जो कपाल संयोग उसने बना दिया तभी घड़ा बना, या नहीं? इसे असमय कारण उत्पन्न होने से पहले बाकी सारे कारण सामग्री रहने पर भी घट उत्पन्न नहीं माना गया, और एक बार से हो गया उसके बाद ये नहीं कह सकते घट उत्पन्न नहीं हो, कार्य तो जरूर उत्पन्न होगा। इसे आत्मन संयोग है और वह आत्मा में अन्य समस्त कारण सामग्री, स्मृति का कारण सामग्री क्या है, संस्कार, वो वहां विद्यमान है, फिर क्यों नहीं हो रहा है, घटक ज्ञान काल में पट का स्मृति हो जाए कि पट संस्कार है ना वहां अंदर, एक साथ घटक ज्ञान और पट स्मृति एक साथ
इस तरह से हमेशा जब जब कोई कोई ज्ञान होता है तब तक कोई ना कोई स्मृति भी साथ साथ होना ही चाहिए, क्योंकि स्मृति के प्रति भी आत्मन संयोग ही कारण है, असमय कारण है। वो जब है वहां तो क्यों नहीं स्मृति उत्पन्न हो रही है? इसलिए कहते हैं कि आपके जो नियम के अनुसार तथा सदी ग्रहण समय, ग्रहण समय नहीं ज्ञान काल, ग्रहण समय चार नंबर टिप्पण है, मैंने अनुभव समय, अनुभव और स्मृति दो चीज मानते हैं ना ज्ञान में, दो भेद। इसे अनुभव के समय में क्या होना चाहिए? स्मृति न संभवते वही नियमो नोपते, आपके जो नियम है अनुभव काल में स्मृति नहीं, स्मृति काल में अनुभव नहीं, ये नियम नहीं बन सकता, क्योंकि अनुभव और स्मृति दोनों का असमय कारण एक ही है आत्म संयोग, और असमय कारण जैसे प्रकट हुआ कार्य जरूर उत्पन्न होना चाहिए। अतः अनुभव के समय में स्मृति भी होगा, स्मृति के समय में अनुभव भी होगा, दोनों एक साथ होंगे, आप उसे रोक नहीं सकते। ग्रहण कारण संयोग स्मृति उत्पत्ति संवाद, ग्रहण का कारण संयोग के द्वारा ही स्मृति का भी वही कारण होने के नाते स्मृति उत्पन्न होना चाहिए। इत्याह इस बात को मन में रखकर भाष्यकार ने कहा आत्मन संयोगाच स्मृति उत्पत्ति, स्मृति नियम अनुपत्ति ही एक और दोष है। ऐसे वैशेषिक और नैयायिकों के मत में कि आत्मन संयोग से स्मृति उत्पन्न हो जाएगी, कि स्मृति का जो आपने नियम बनाया है वह उत्पन्न नहीं है। क्या नियम है? अनुभव काल में स्मृति नहीं होगी, स्मृति काल में अनुभव नहीं होगा, यह जो आपका नियम है वह नियम अनुपपन्न है। युगपद्वा सर्वस्मृति उत्पत्ति प्रसंग। अच्छा स्मृति काल में भी हम पूछेंगे युगपद सारी चीज की स्मृति क्यों नहीं होती? कोई एक चीज का स्मृति होती ना आपको, जन्म से लेकर अभी तक जितना अनुभव साहब की स्मृति इकट्ठा हुआ क्या सब हो जाए तो आज पागल ही हो जाएगा, जिएगा कैसे? हो सारी चीज स्मृति आ जाए बचपन में, अब जन्म से अभी तक जितना पिटाई खाया होगी सब स्मृति आ जाएगी, जितना रोया धोया गाली फटकार हुआ डांट फटकार हुआ स्कूल में बाहर में दोस्तों में इधर उधर, कहीं मान हुआ कहीं अपमान हुआ, अनेक प्रकार सुख दुख सब की स्मृति खिचड़ी एक साथ, क्योंकि सभी स्मृतियों के प्रति एक ही कारण है ना आपका आत्मन संयोग, कि सभी संस्कार अंदर विद्यमान है, सभी का संस्कार विद्यमान है और आत्मन संयोग हो गया, फिर एक ही स्मृति क्यों होती है आपको? तब आपको कहना पड़ेगा महाराज अदृष्टादि उद्बोधक कोई ना कोई चाहिए, उद्बोधक के अधीन संस्कार जगते हैं, फिर हम फिर आत्मन संयोग कारण नहीं रहा स्मृति के प्रति, उद्बोधक मुख्य कारण हो गया ना, फिर आत्मन संयोग को असमय कारण नहीं मान सकते स्मृति के प्रति, स्मृति के प्रति उद्बोधक को कारण मानना पड़ जाएगा, धर्माधर्म आदि कारण मैंने अन्य जो भी चीज मुख्य कारण बताना पड़ेगा, अमुक चीज असमय कारण है वह नहीं है इस स्मृति नहीं हुई ये कहना पड़ेगा आपको, उसके बिना व्यवस्था नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं किंच आत्मन संयोगाद एकस्माद एकस्या स्मृति समुत्पत्ति समय स्मृत्यंतराण्य भी समुत्पद्येरन असमय कारण से तुल्यत्वात आ गया ना आंधगिरी में कि असमय तो वही है आत्मन संयोग आपके मत में, न च समुद्बुद्ध संस्कार अयोग पद्याद युगपद अनुत्पत्ति ही है ना, उद्बुद्ध नहीं है संस्कार, कोई उद्बोधक के द्वारा उद्बुद्ध हो जाए संस्कार तभी वह स्मृति होती है, जो संस्कार उद्बुद्ध हो गया उद्बोधक के वजह से वही संस्कार से जन जो स्मृति होगी वो होगी और अन्य नहीं होंगे। तेषां तदुद्बोधस्य च आत्मनि प्रतिबन्धत्वेन स्मृति सामग्री अंतर्भाव असंभवाद इत्यभिप्रेत्याह युगपद्वा सस्मृतपत्ति प्रसंग हो, तब विभाव कहने के सिद्धांत कहता है लेकिन समस्या है तद उद्बोधस्य च आत्मनि प्रतिबन्धत्वेन, वो उद्बोधक कहाँ है? बाहर की आत्मा में, और इसमें भी प्रतिपत्ति हो जाएगी, किस उद्बोधक से कौन सा संस्कार जगेगा कोई व्यवस्था है क्या? ये व्यवस्था नहीं बन सकती है, क्योंकि एक ही उद्बोधक से अलग अलग समय में अलग अलग संस्कार चक्कर अलग अलग स्मृतियां हो जाती है, नहीं होती है क्या? चीज वही हम देख रहे हैं, उद्बोधक वही है, लेकिन एक ही उद्बोधक अलग अलग समय में अलग अलग संस्कार को जगकर अलग स्मृति करा दे रहा है,
इसलिए उद्बोधक की भी व्यवस्था आप नहीं दे सकते कि उद्बोधक होने पर संस्कार उद्बुद्ध हुआ, संस्कार उद्बुद्ध होने से उसके अनुरूप स्मृति हो गई, यह भी व्यवस्था नहीं हो सकती। विप्रतिपन्नत्व स्मृति सामग्री अंतर्भाव असंभव है। स्मृति के सामग्री के अंतर्गत उद्बोधकों को जोड़ नहीं सकते आप, इसलिए समस्या तो बनी रहेगी, युगपत सर्व स्मृतियां होने लग जाएंगे। किंच समान जातियां स्पर्शादि मतांच परस्परम संबंधो दृष्टः यथा मल्लानां मेषानां रज्जुघटादीनां च तद उभयाभावाद् आत्मनां मनादि में संबंध सिद्ध है। और सबसे बड़ा चीज है, आपने कहा आत्मा और मन का संयोग होता है, यही असंभव। मन आत्मा के साथ संयोग संबंध करेगा आपने कहा ना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोक व्यवहार में क्या देख रहे हैं, समान जातीय दो वस्तुओं का संयोग होता है, समान जाति होनी चाहिए, दो द्रव्यों का संयोग है। द्रव्य और गुण के बीच संयोग मानोगे आप? द्रव्य और गुण के बीच में आप क्या माने, इसलिए नहीं आए लोग स्वयं भी समवाय मानो, द्रव्य और क्रिया में समवाय। समान जाति में देखा गया है हमेशा संयोग, विजातियों में नहीं। और आत्मा और मन कैसा है, विजातीय है, इसे इनका परस्पर संयोग नहीं हो सकता। किस प्रकार है वो देख विचार करके बता रहे, देखिए। किंच समान जातियां नाम स्पर्शादि मतान, समान जातीय ही होने से काम नहीं चलेगा, एक और लक्षण होता है, समान जातीय होते हुए स्पर्श गुण वाला होना चाहिए, तभी संयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। समान जातीया नाम स्पर्शादि मतांच परस्परम संबंधो दृष्टः यानगिरी में भूत चतुष्टय वृत्ति गुणवताम इत्यर्थः। माने पृथ्वी जल तेज वायु ये स्पर्श वाले चार द्रव्य हैं, है ना, ये जो चार द्रव्य इनका ही परस्पर संयोग होता है और इनका स्वसमान जाति आकाश के साथ संयोग लोग मानते, कुछ लोग नहीं भी मानते आकाश के साथ पृथ्वी का संयोग आदि, मत अंतर है उसमें भी कि आकाश निरवय है, उसका संयोग कैसे होगा, काल के साथ भी संयोग नहीं हो सकता, मन के साथ भी, इस तरह से मन के साथ भी नहीं, आत्मा के साथ भी नहीं। इसलिए चार ही द्रव्यों का परस्पर संयोग होता है, समान जाति होते हुए स्पर्श वाले जो द्रव्य है इनका संयोग होता है, और आत्मा और मन द्रव्यत्वेन समान जाति है किंतु स्पर्श वाले नहीं, इसलिए इनका परस्पर संयोग हम नहीं मान सकते। नहीं तो आकाश आत्मा का संयोग, आकाश मन का संयोग, आकाश काल का संयोग, आकाश दिक का संयोग, सबका संयोग मानने पड़ जाएंगे, उल्टा पुल्टा निष्प्रयोजन। उस संयोग से क्या होगा, आकाश को दिशा के साथ संयोग मान लिया आपने, क्या निकलेगा उससे, व्यर्थ है। इसे कहते हैं स्पर्शादि मतांच परस्पर संबंध दृष्ट, यथा दृष्टांत क्या है, मल्लानाम मेषाणाम रज्जु घटादीनां च, दो मल्लों का संयोग है, दो मेषों का संयोग है। वैजात्य में एक तो समान जाति हो गया ना, सजाति हो गया, दो मल सजाति है, दो मेष सजाति है। विजातियों में यदि मानना भी है तो जैसे रज्जु और घट, रज्जु में रज्जुत्व है, घट में घटत्व है, इन दोनों स्पर्शमान द्रव्य है, रज्जु भी स्पर्श वाला पार्थिव द्रव्य है, घट भी स्पर्श वाला पार्थिव द्रव्य, स्पर्शवताम संयोग होता है। इन आत्मा और मन में ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा में आत्मत्व है, मन में मनस्त्व है, दोनों का दो भिन्न जाति हो गया, समान जाति नहीं है। और दूसरी समस्या होगी, द्रव्यत्व में समान जाति मान भी लोगे, दोनों स्पर्श वाले नहीं है, स्पर्श वाले ना होने के नाते इनका परस्पर संयोग नहीं हो सकता, कि आत्मा में किसी प्रकार स्पर्श गुण को वो लोग नहीं मानते, मन में भी स्पर्श गुण को नहीं मानते। तद उभयाभावाद आत्मनाम मनादि भी संबंध असिद्ध है, इसीलिए न तो यहां पर सजातीय द्रव्यत्व के अंदर लेकर हो सकता है, न तो स्पर्शवत्व को लेकर हो सकता है, इसलिए आत्माओं का मनादि के साथ संबंध ही नहीं हो सकता। नोक्तात् असमवाय कारणात् बुद्ध्यादि गुणोत्पत्ति, इसलिए आपके ये जो सिद्धांत है आत्मन संयोग रूपी असमवाय कारण से ज्ञान सुख इच्छा द्वेष आदि आत्म पैदा होता है, बिल्कुल गलत सिद्धांत, असंभव।
इत्याह। इसको लेकर कर नच भिन्न जातिया नाम स्पर्शाद हीना नाम आत्मनाम मना आदि संबंध युक्त। इसलिए भाष्यकार ने कहा भिन्न भिन्न जाति वाले हो और स्पर्शादि गुणों से हीन हो ऐसे जो आत्मा का मन आदि के साथ में संबंध भी नहीं हो सकता।